खड़ा यहाँ पे। चलो तो इसके लिए गेट खोल के आती हूँ एक बार। मैं रुकना, आजा आजा आजा, जाना है कि नहीं जाना है? चलो तो फिर आगे। देखो कितना अंधेर हो रखा है, सोन सपाटा भी कोई भी नहीं उठा है। चल ना, इसको छोड़ के आती हूँ गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस देखो कितना अंधेर हो रखा है भाई साहब। और मैं कब की उठ गई थी, मैंने लगभग आधे घर की झाड़ू निकाल ली है, बाकी एक ही झाड़ू निकाली। ये पमसा ना, इसको सुबह सुबह क्या सुसुपोटी करने जाना होता है, तो हमारा जो जाओ का गेट है वो बंद रहता है, तो इसलिए आवाज़ें करता है कि गेट खोलो गेट खोलो, गेट खोल के जाना पड़ता है। देखो तो बस मैंने यहाँ की तो पूरी झाड़ू निकाली है, वहाँ से यहाँ से अपन चलेंगे किचन के अंदर, किचन के निकाल रहे बहुत सारे दिए आज तो। सो गाइस, झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं पहले खुद के लिए चाय नहीं बनाती क्योंकि मुझे चाय का इतना शौक नहीं है, मैं बहुत कम पीती हूँ। तो जब पापा जी उठते हैं तब मैं चाय बनाती हूँ, फिर उनको भी पिला देती हूँ और मैं खुद भी पी लेती हूँ। चाय पानी पी के फिर मैं बनाने लग गई थी खाना। तो आज मैंने बनाई है मूली की सब्जी और रोटी। मूली की सब्जी किस किस को पसंद है चलो कमेंट करके बताना। फिर आ गई है हमारी दुर्वा बेबी जो कि खेल रही थी मिट्टी में, पता नहीं क्या बना रखा इसने। देखो कौन बड़ा इसमें इतना सारा बोल रहा है यार, बहुत ज्यादा फ्रेडी है जगह को नहीं बोल रहा है भैया वाला। मिट्टी ऐसे बोलते बाबा, मिट्टी वो बता कैसे होते मिट्टी। एक बार लेना इसमें बोलती है, बस बस बोल बस, गर्दन क्यों ला रहे मिर्च को लेना राम राम सा गिर गए, राम राम सा नहीं गए, राम राम सा है, राम राम सा करो पहले। मेरे क्या पता कौन है, दुर्वा है इसके अंदर, दुर्वा मम्मा को पूछ, मम्मा को पूछ कौन की। सुबह अभी 9 बजने वाला है, मैं आई हूँ ऊपर। चलो थोड़ा फटाफट से बिस्तर बिस्तर सही कर लेते हैं, फिर नहावा धोई करेंगे। 9 बजने वाला है, 9 बज गए हैं बजने वाले क्या। चलो बिस्तर सही करते हैं, कपड़े समेटते हैं, नहीं तो फिर शाम। सो गाइज, खाना वाना बना बनू के फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा धोवा के आ गई हूँ यहाँ पे तुलसी में आके मैं जल चढ़ाने के लिए। पहले भी मैं करती थी लेकिन बाद में बीच में मेरा छूट गया था, और जब से शौक वापस स्टार्ट करी है तब से मैंने वापस कंटिन्यू करा है। तो सबसे पहले जो जल चढ़ाती हूँ वो होता है मेरा तुलसी मैया में, फिर सेकंड मैं भर के लेके आती हूँ और सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ। तो यहाँ मैं कैमरे में ढूंढ रही थी कि सूरज भगवान कहाँ दिख रहे, फिर पता चला सूर्य भगवान तो वहाँ पे है, मतलब मुझे तो दिख रहे थे बट कैमरे में नहीं दिख रहे थे। चलो अभी इनको भी जल चढ़ा देते हैं। तुलसी मैया और सूर्य भगवान में जल चढ़ाने के बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेलपत्र में जल चढ़ाने के लिए। तो कौन कौन ऐसा करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में मैं आ गई हूँ सीधा किचन में खाना खाने के लिए। तो मूली की सब्जी, दही और रोटी मैंने खाई। सो गाइज, हम लोग हो चुके हैं रेडी, बस निकलेंगे थोड़ी देर में। अभी मौसम ऐसा हो रखा ना, मैं अंदर थी ना, ऊपर मुझे इतनी भयंकर वाली सर्दी लग रही थी, मैंने ये वाला जैकेट पहना। अब बाहर आई तो पड़ रही है धूप, तो यहाँ पे लगेगी गर्मी। और शॉप पे जाते ही मैं तो, मेरा पहला काम ये होता है कि मैं अपना जैकेट खोल के रखती हूँ, क्योंकि ना वहाँ पे गर्मी लगने लग जाती है, और खाना खाते भी वापस सर्दी लगने लग जाती है। तो बस दुर्गा के पापा को बुलाते हैं, छोड़ आए वरना दुर्गा आ जाएगी। मैं बुलाऊ ना अपन छोटे दुर्गा जी पर भाई साहब, तो दुर्गा बाहर गई हुई है, तब तक निकल लेते हैं। मैंने आपको बताइए कि आजकल वो डेली जाती है हमें छोड़ने, बताओ कूड़ी। फिर सर्दी का टाइम रहता है तो बीमार और हो जाती है। चलो चलते हैं गाइस। गाइस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कुक का वेट, दुर्वा से छुपना पड़ता है। अब आज दुर्वा के बाबा को कोई काम है तो
कुकू आएगा, पता नहीं कब आएगा वो, फिर निकलते हैं अपन। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कूली बस स्टैंड। देखो हरी हरी सब्जियां, वाव कैमरा में कितनी बड़ी आ रही है सब्जियां फ्रूट्स। बस का वेट कर रहे हैं, बस आ जाए फिर निकलते हैं अपन। तो गाइस अगेन मैं आ गई हूँ बस स्टैंड देनवाल का। अब पता है काम तो रहता है, डेली करना ही पड़ेगा। तो आज कुछ पार्सल आने वाला है, न्यू कलेक्शन आ रहा है गाइस अपनी शॉप में, तो मैं शॉप पे जाके आपको दिखाऊंगी। बट अभी बस आने में थोड़ा टाइम है, पता है ना, ऐसा लगता है कि लेट नहीं हो जाए बस निकल जाएगी ऐसा वैसे, तो जल्दी आके बैठ जाते हैं। धूप हो रही इतनी भयंकर वाली, मैं बस का वेट कर रही हूँ मेरी बस आ जाए, फिर अपन अपना सामान लेंगे। पता नहीं ऑटो से जाऊंगी या कैसे जाऊंगी, पहले तो देखूंगी कितना उसमें वजन है। अगर ज़्यादा वजन हुआ, भारी हुआ ना, तो फिर मुझे ऑटो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं खुद ही ले जाऊंगी। ये देखो आप कितनी तेज वाले धूप, अभी मौसम का ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि धूप है, सर्दी है, गर्मी है, क्या है। सो गाइस एक अपने आएगा ये नेवी ब्लू में आएगा, इसका इस तरीके से आएगा इसका कपड़ा, और ये आएगा इसका ओढ़ना। मैं आपको ओढ़ना दिखा देती हूँ पहले ही, ये देख सकते हो आप इस तरीके से तीन से चार, कितने कलर हो गए, एक दो तीन चार, चार कलर का ओढ़ना आ जाएगा, पट्टियां बनी हुई आएगी ओढ़ने में। तो ये तो हो गया अपना नेवी ब्लू का कलर ओढ़ने का, और दूसरा मैं आपको दिखा देती हूँ, एक ये वाला कलर, ये कलर आएगा तो इसमें भी मैं आपको इसका ओढ़ना दिखा देती हूँ। स्काई ब्लू आएगा सूट का कलर, और ये आएगा इसका ओढ़ना इस तरीके से। ओढ़ने में आपको तीन से चार कलर मिल जाएंगे, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा सूट है, लिमिटेड ही स्टॉक है, तीसरी बार हमने स्टॉक किया है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो थोड़ा जल्दी करना, एक ये वाला कलर हो गया। एक मैं आपको दिखा देती हूँ रेड में, रेड में इस बार ओढ़ना चेंज आया है, तो आपको दिखा देती हूँ, ये आएगा रेड कलर मुनासिब का, और ये आ जाएगा इसका ओढ़ना रेड और येलो कॉम्बिनेशन में ओढ़ना आएगा इस तरीके से, रेड का ओढ़ना आ जाएगा। बहुत ही सुंदर सूट है, और मतलब इतना पसंद किया जा रहा है कि जैसे ही लेके आते हैं फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, फिर से लेके आए। एक ये वाला कलर सी ग्रीन, जो पिछली बार हमने लिमिटेड ही मंगाए थे, तो इस बार हमने इसका और पीस मंगाया है। इसका ओढ़ना भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आएगा इसका ओढ़ना रेड, और जो सी ग्रीन सूट में दिया हुआ है वो कलर आएगा इस तरीके से, कलर कॉम्बिनेशन आएगा। आपको और दिखा देती हूँ मैं, एक इसी का कलर दिखा देती हूँ सेम, इसमें जो कलर आएगा वो, एक आपको इसमें ये वाला कलर मिल जाएगा, जिसको शायद डस्टिपिंग करके बोल रहे हैं सब, तो मैं भी वही बोल देती हूँ, ये आ जाएगा। ये भी बहुत ही प्यारा कलर है इसका, ये वाला ओढ़ना आ जाएगा कलर कॉम्बिनेशन आएगा, दो कलर आएंगे इसमें। इनके जो ओढ़ने है ना वो हैंडा ही आएगी गाइस, कलर नहीं जाएगा ओढ़ने का। एक ये जो मैंने पहना है खुद ने, ये वाला भी आ गया मोडल सिल्क में, देख सकते हो अब सेम आएगा इसमें। तो अगर किसी को चाहिए हो, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जी अच्छा लग रहा था पहने हुए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्टॉक करते हैं, अगर किसी को पसंद आ रहा है तो बता देना। और ये आएगा इसका ओढ़ना, ये था क्या इसका, इसका उड़ना कलर कॉम्बिनेशन में। और दिखा देती हूँ मैं आपको, इसका जो मैंने पहना था ना, इसका कलर भी मांग रहे थे आप लोग, तो मैंने इसके कलर भी मंगवाए हैं। इसमें आपको ये वाला कलर मिल जाएगा गाइस, सी ग्रीन कलर आएगा, बहुत ही प्यारा कलर है, ये वाला भी कलर बहुत सुंदर लग रहा है। इस पर आपको ओढ़ना ये वाला मिल जाएगा इस तरीके से, शेडेड आएगा ओढ़ने, सभी के शेडेड है, सिंगल कलर नहीं है ओढ़ने में, किसी में पट्टी मिल जाएंगे, किसी में आपको बॉर्डर मिल जाएगा, इस तरीके के ओढ़ने हैं। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है आप इसमें सूट लेके मुझे भेज दीजिए। ये सारे कलर आ चुके हैं मोडल सिल्क में, रेड आ गया, नेवी ब्लू आ गया, स्काई ब्लू आ गया है, और ये वाला जो सी ग्रीन वाला आ गया, मैंने जो पहना था लाइट पिंक ये भी आ गया, डस्टी पिंक भी आ गया है। तो जल्दी जल्दी जाके स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा पे डीएम कर दीजिए, व्हाट्सएप के नंबर में यहाँ पे दे दीजिए, आप लोग व्हाट्सएप पे जाके स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर सकते हो। आगे जुया
सो गाइज हम लोग आ गए हैं घर और ये देखो दोनों बच्चे लॉलीपॉप खा रहे हैं। कैमरा का कैड आएंगे ब्लर ब्लर हो रही है, ब्लर मारो कैमरों तो। सो गाइज हम लोग घर आ गए थे और जैसे कि आप सबको पता ही कि मैं आपको बहुत बार बताती हूँ व्लॉग में कि मेरे सर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज़्यादा जलन खुजली टाइप होने लग जाता है, तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही थी। तो अभी ऑयलिंग करनी पड़ेगी और मैंने एक एविल की टेबलेट भी ले ली थी क्योंकि मुझे अलग से वो होती है, मतलब मैं नहीं बता सकती आपको ये ना मतलब क्या बोलते हैं उस वजह से नहीं हो रही है, लेकिन हमेशा से होती है बचपन से ही। पहले जब गाँव में रहती थी तो भैया से हेल्प ले लेती थी, वो मालिश वगैरह करते थे, बट अभी मेरी छूट सी गई है तो काफ़ी रूखे हो गए हैं बाल, इस वजह से भी शायद ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो पहले फटाफट से ऑयलिंग करते हैं। रिकॉर्ड किया आज का, तो जितना भी किया इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत ज़्यादा तबीयत मेरे को लगता है मेरी ख़राब होने वाली है, बुखार वुखार कुछ ऐसा होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से मुझे सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है ना, मैं कांप रही हूँ मेरी पूरी बॉडी, तो ऐसा तो बुखार होता है तभी होता है शायद। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज़।